पर विराजमान हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्री जनपद न्यायाधीश महोदय, मंच पर विराजमान जनपद न्यायाधीश महोदय, उनका परिवार, मंच पर विराजमान हमारे पदाधिकारी महोदय और मैम, मंच पर विराजमान हमारे प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट के विनय कुमार सर, मंच पर विराजमान हमारे सीएमओ साहब जिला जनपद कुशीनगर के। आज मैं इस समारोह में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस आप लोगों के लिए हम कुछ लाइनें कहना चाहते हैं। आए हो हमारी मंजिल में इस तरह, चांद तारे झिल मिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आप लोगों की उपस्थिति से यह पूरा महफिल जो है वो सज गया है। यह हमारे लिए गमगीन भी माहौल है, क्योंकि हमारे परिवार के मुखिया जनपद न्यायाधीश महोदय आज हमसे बिछुड़ रहे हैं और इनकी शिक्षाएं हमें कंठस्थ की है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इनकी जो दो लाइनें होती हैं कि नाम तुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज ही पहचान होगी, वह याद रखो। आपकी आवाज ही इस जीवन हमारे लाइफ में याद रहेगी। हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी शिक्षाएं जो हम लोगों ने आपने हमें जो ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में जो हमें शिक्षाएं दी कि एक पुलिस का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और आपने जो हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाए अपनी ट्रेनिंग क्लासेस में और जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के मूल मंत्र दिए, उसको हम हमेशा कंठस्थ रखेंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय कुछ समय पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किए, लेकिन उनके बारे में न्यूज़पेपर में हम लोग उनकी कृतियों को पढ़ते रहते हैं, उनकी प्रशासनिक कौशल से हम सभी वाकिफ हैं। हम कहना चाहेंगे कि वक्त की हो धूप या तेज हो आंधिया, कुछ कदम के निशान कभी नहीं होते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। ये जीवन शून्य से शून्य का सफर है और इस शून्य से शून्य के सफर में कहा गया है कि एक तपी गमिष्यति, मतलब दिस टू सरपास, जो शुरू हुआ है खत्म होगा। लेकिन ये भी कहा गया है कि परिवर्तन में स्थिरम अस्ति, मतलब द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग का स्वागत करते हैं और इस महफिल में आए सभी लोग का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ जिला जनपद न्यायाधीश महोदय के लिए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए, ऐसे सर को भला कैसे कर दे विदा, जिनकी ट्रेनिंग से हम क्या से क्या बन गए। वास्तव में एक सुखद क्षण, मैंने पहले ही कहा है कि मांगलिक प्रस्थान का एक कार्यक्रम, विदाई का कार्यक्रम सुख और दुख की मिश्रित भाव को लेकर आता है। आज विराजा साहब के सम्मान में हमारे सीपी तिवारी जी ने, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय हमारे सभी न्यायिक अधिकारी का जिलाधिकारी महोदय यहाँ मंच पर मौजूद है, सीएमओ साहब मंच पर मौजूद है, सबका सतत मार्गदर्शन आपने किया है और आपके अनुभव का सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, आप सताई हूं, ऐसी शुभकामना के साथ आज आपको फेयरवेल दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप उनके प्रति, और उसके बाद एक गीत मचा